हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो पाइथन को लेकर के है और पाइथन के माध्यम से हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। जी हाँ, पाइथन में डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे? डेटाबेस तो हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर पर क्रिएट करते हैं, जैसे हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, या फिर आप बात कर लें माई एसक्यूएल की, तो हम माई एसक्यूएल पर डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। लेकिन क्रिएट करेंगे पाइथन पर और दिखेगा माई एसक्यूएल पर, ये कैसे पॉसिबल होगा आइए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ से माई एसक्यूएल ओपन कर लेता हूँ, मैं वर्कबेंच ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये वर्कबेंच ओपन किया है और वर्कबेंच को ओपन करने के बाद पाइथन भी हम ओपन करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा होस्ट लोकल होस्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर इस तरीके से आते हैं। अब ये ओपन हो गया है, अब हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं और पाइथन को ओपन कर लेते हैं। तो ये पाइथन की आइडियली है, आइडियली का मतलब आप जानते ही हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये ओपन हो गया। अब यहां पर एक न्यू पेज लेकर के और यहां पर हमें क्या बनाना है, एक डाटाबेस बनाना है। तो कैसे यहां पर डेटाबेस बनाएंगे और दिखेगा हमें माई एसक्यूएल पर, तो उसी की बात करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, हम इंपोर्ट करवाएंगे। इसके पहले भी मैंने इस तरह के कई प्रोग्राम आपको करवाए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे इंपोर्ट, ठीक है। क्या लिखेंगे, इंपोर्ट, और फिर लिखेंगे माई एसक्यूएल। तो यहां पर लिखा माई एसक्यूएल इस तरीके से, और इंपोर्ट माई एसक्यूएल लिखने के बाद यहां पर कनेक्टर लिखेंगे, कनेक्टर, ठीक है। कनेक्टर के थ्रू ही ये जो है बनेगा हमारा डेटाबेस। तो यहां पर अब मैं दे देता हूं कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम, ये माई डीबी कर देते हैं। माई डीबी इज इक्वल टू माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल दे दिया। और फिर यहां पर क्या देंगे, जैसे ही माई एसक्यूएल देंगे तो फिर यहां पर लगाना होगा एक डॉट, ठीक है। तो यहां लगा दीजिएगा डॉट और कनेक्ट, सी ओ डबल एन ई सी टी, कनेक्ट करना ही है। तो यहां पर लिख दिया कनेक्टर, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, कनेक्टर लिख देंगे और डॉट कनेक्ट लिख देंगे, डॉट कनेक्ट, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फंक्शन की बात होती है तो ब्रैकेट ओपन और क्लोज तो करते ही करते हैं, ठीक है। तो यहां पर कनेक्टर और यहां पर कनेक्ट लिख दिया है और यहां पे ब्रैकेट को ओपन रखेंगे, इसके अंदर चीजें और भी करनी है हमें। तो हम नीचे आते हैं और यहां पर लिखते हैं होस्ट। तो होस्ट हमारा क्या है, अभी हमने दिखाया आपको लोकल होस्ट है, तो यहाँ पे होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट कर देंगे। लोकल होस्ट जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा, थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी होगी तो ये चलेगा नहीं कोड, और फिर आपको बहुत परेशानी हो जाएगी और परेशान हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से एक एक चीज जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है। तो होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट कर दिया हमने, कॉमा लगाया नीचे, फिर एंटर किया और यहां पर लिखेंगे यूजर, यूएसईआर यूजर इज इक्वल टू, और यहां पर यूजर नेम देना है आपको। तो यूजर नेम हमारा क्या है, हमारा यूजर नेम है, यूजर नेम है रूट। तो यहां पे आर डबल ओ टी रूट कर देंगे और यहां पर फिर कॉमा देके नीचे आएंगे। तो जैसे ही कॉमा देके नीचे आते हैं तो यहां पे आप पासवर्ड डालेंगे, तो पी डब्ल्यू एस डब्ल्यू ओ आर डी पासवर्ड इज इक्वल टू। तो हमारा पासवर्ड जो है, हमारे केस में जो ये पासवर्ड है, आपका जो भी पासवर्ड बनता हो वो पासवर्ड आप यहां पे दे दीजिएगा, ठीक है। अब ये दे देने के बाद क्या करना है, फिर अब आपको नीचे आना है और इस ब्रैकेट को करना है क्लोज, क्योंकि यहां पर काम खत्म हो जाता है और काम जैसे ही खत्म होगा तो इसे क्लोज करेंगे और यहाँ पे कर्सर ओपन करेंगे। तो यहाँ माई कर्सर सी यू आर एस ओ आर, ठीक है, माई कर्सर इज इक्वल टू, अब चूंकि माई डीबी नाम से बनाया है तो माई डीबी यहाँ पे लिखना ही होगा। तो यहाँ लिख दिया माई डीबी और यहाँ पे डॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डॉट, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे कर्सर, ठीक है, ये हो गया कर्सर। और यहाँ पर एंटर करेंगे कर्सर लिख करके, कर्सर एक फंक्शन एज अ फंक्शन वर्क करेगा। यहाँ पे माई कर्सर इज इक्वल टू माई कर्सर डॉट एक्सिक्यूट, और फिर यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहां पर डेटाबेस हमें बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब डेटाबेस बना लेते हैं। डेटाबेस बनाने का कमांड क्या होता है, क्रिएट डाटाबेस, यही होता है ना। तो ये लिखा क्रिएट और यहां लिखते हैं डाटाबेस, ठीक है, और फिर यहां पर डेटाबेस का नाम देंगे। तो यहां पर मैं इस डेटाबेस को नाम दे देता हूं हॉस्पिटल सिस्टम, इसे मैंने नाम दे दिया हॉस्पिटल सिस्टम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसे क्या नाम दिया गया है, हॉस्पिटल सिस्टम नाम दिया गया है। इसे बंद करेंगे इस तरीके से, ठीक है, और बंद कर दिया। अब जब चलाएंगे तो हमारा डेटाबेस बन जाएगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि क्या कोई डेटाबेस हॉस्पिटल सिस्टम नाम से बना है माई एसक्यूएल के अंदर। तो ये हमारा माई एसक्यूएल है, ये सब हटाते हैं इसको पहले, और यहाँ पे शो डाटाबेसेस करते हैं, शो डाटाबेसेस सीधा सीधा यहाँ पे शो डाटाबेसेस करते हैं। तो शो डाटाबेसेस कमांड हमें क्या बताता है कि कौन कौन से डाटाबेस बने हुए हैं इसके बारे में बताता है। तो यहां पर गए और यहाँ पे शो डाटाबेसेस किया हमने जैसे ही, तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जितने भी डाटाबेसेस हैं वो आपको शो हो जाएंगे। तो देखिए नीचे जो भी डाटाबेसेस बने हुए हैं पहले से
वो सारे शो हो रहे हैं। तो इसमें कहीं आपको हॉस्पिटल सिस्टम नाम से डाटाबेस नजर आ रहा है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट डी नाम से है, स्टूडेंट मैनेजमेंट नाम से है, स्टूडेंट नाम से शॉप डी है, स्कूल है एस सी डबल एच है, फिर सैलरी डी है, पाई स्कूल है, प्रिपरेशन है, परफॉर्मेंस है, माई एसक्यूएल है, लेकिन इसमें कहीं भी हॉस्पिटल सिस्टम नाम से डेटाबेस तो नहीं बना हुआ है। तो एक बार अब हम पाइथन पे लिखे हुए कोड को रन कराएंगे और रन कराने के बाद देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या कोई डेटाबेस बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, कि ऐसे ही बेकार में बात करी जा रही है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो इसे ओपन करते हैं और अब इसको चलाने की बारी है। तो चलाने से भी पहले हम इसे सेव करेंगे, तो यहां से जाके सेव पे क्लिक किया और इसे मैं हॉस्पिटल के नाम से सेव कर देता हूँ, hospital.py। ठीक है, तो ये हो गया और py तो आ ही जाता है अपने आप। तो यहाँ पर ये कोड जो है सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर कोई एरर नहीं है तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया। यहाँ से देखिए रन कराएंगे तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे माई एस क्यू क्यू छूट गया है, एक मिनट, ये हो गया। अब इसको चलाते हैं, ये हो गया है और अब रन कराएंगे जैसे ही, तो आप देखेंगे कि ये कोड हमारा सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, इसका मतलब कोड सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया। और हमारा डेटाबेस किस नाम से बना है बेटा? तो देखिए यहाँ पर डेटाबेस बना है हॉस्पिटल सिस्टम नाम से। तो अब चेक करना होगा कि हॉस्पिटल सिस्टम नाम से डेटाबेस बना है कि नहीं बना है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि हॉस्पिटल सिस्टम नाम से डेटाबेस है भी कि नहीं है। ठीक है, ये चेक करना जरूरी। तो यहाँ पर तो अभी तक तो नहीं था, अब यहाँ पर शो डेटाबेस फिर से चला देते हैं। तो इसको सेलेक्ट किया यहाँ से और इसको चला दिया, तो चलाया तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, हॉस्पिटल सिस्टम आ रहा है। यानी डेटाबेस बनाने का ये तरीका हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये डेटाबेस बनाना कैसे है। ठीक है, अब जब यूज करना होगा तो यूज करने के लिए वो सेम वीडियो, बड़ी वीडियो में मैंने सिखाया था कि कैसे यूज करना है, आप यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कभी भी प्रैक्टिकल एग्जाम में तो आप इस तरीके का आंसर दे सकते हैं। बहुत आसान है, ये करके दिखा सकते हैं सीधा एग्जामिनर को और एग्जामिनर आपके एक नंबर भी नहीं काटेगा। ठीक है, मान लीजिए कि इसी पाइथन के ऊपर आपको दूसरा डेटाबेस बनाना है, तो पहले तो पाइथन को यहां से ओपन करता हूं ये। तो यहां पर खाली आप इस डेटाबेस का नाम चेंज करेंगे और दूसरा डेटाबेस बन जाएगा। कैसे, आइए दिखाता हूं। देखिए यहां पर इसे हटाता हूं, अभी मैंने हॉस्पिटल सिस्टम दे दिया है। ठीक है, इसको हटा देता हूं, यहां पे मैं ऑफिस कर देता हूं, ऑफिस नाम से डेटाबेस कर देता हूं। तो ये ऑफिस कर दिया, अब ये जो है चलेगा। अच्छा, यहां पे मैं प्रिंट भी लिख देता हूं ताकि ये चले, तो यहां पे हमें एक मैसेज भी शो हो जाए। तो यहां पे प्रिंट लिखा हमने और यहां पे लिख देते हैं डाटा अपडेटेड, डेटाबेस अपडेटेड लिख देते हैं, डेटाबेस अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ये हमने दे दिया, तो ये जब प्रिंट हो जाएगा तो समझ जाइएगा कि डेटाबेस प्रिंट हो रहा है। ठीक है ना, मतलब डेटाबेस बन गया है। तो F5 करते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया, डाटाबेस अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया। इसका मतलब हमारा डेटाबेस बन गया। तो एक और डेटाबेस हमने बना लिया, किस नाम से बनाया, तो यहाँ पे देखिए ऑफिस नाम से। तो अभी चेक करते हैं कि ऑफिस नाम से अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे सो डाटाबेस दोबारा से चलाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से रन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसमें ऑफिस नाम का डेटाबेस दिख रहा है। ये देखिए, ये रहा ऑफिस नाम का डेटाबेस। तो इस तरीके से बहुत आसानी के साथ आप पाइथन पर कोडिंग करके और MySQL में डेटाबेस बना सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। अगर आपको ये कोड चाहिए हो, इस कोड की बात करते हैं कि क्या कोड मैंने लिखा था, अगर ये आपको चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सूरज सर कंप्यूटर वाले। तो वहां पर जाकर के और इस कोड को आप वहां से उठा सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हालांकि आप देख के लिख सकते हैं, कोई इतना बड़ा कोड तो है नहीं ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि पूरी बात समझ में आ गई होगी।